हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो A16 में स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में ना, सो गाइज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको कन्वेंस टूल्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जेस्चर एंड मोशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लास्ट में चार ऑप्शन मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताऊंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इन ऑप्शंस का यूज करके अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राइज टू वेक का। सो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग को एनेबल कर देना है। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ। इसको एनेबल करने के बाद अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन दे रखा हमारा लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स का। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि जैसे फ्रेंड्स आपके फोन पे कोई भी कॉल आई और अगर आप अपने फोन को कान के पास लेंगे तो वो कॉल आपकी ऑटोमेटिक अटेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, अगर आप इस सेटिंग को एनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को एनेबल करने के बाद आपके फोन पे कोई भी कॉल आई और अगर आप अपने फोन को कान के पास ले आएंगे तो फ्रेंड्स आपकी वो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, ऑटोमेटिक अटेंड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन को बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन देखा हमारा ऑटो स्विच टू रिसीवर का। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? इसका मतलब यह कि जैसे फ्रेंड्स आप अपने फोन पे किसी से भी स्पीकर पे बात कर रहे हैं और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति या फिर कोई रिलेटिव आ जाता है तो फ्रेंड्स आपको उस कॉल को स्पीकर से हटाना है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन को कान के पास ले आना है तो वो कॉल ऑटोमेटिक स्पीकर से हटा देगा, अगर आप इस सेटिंग को एनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को एनेबल करने के बाद आप अपने फोन पे किसी से भी स्पीकर पे बात कर रहे हैं और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति या फिर कोई रिलेटिव आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप अपने फोन को कान के पास लेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस कॉल को स्पीकर से हटा देगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा थर्ड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन दे रखा हमारा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? इसका मतलब यह कि जैसे फ्रेंड्स आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है तो फ्रेंड्स आपको उस कॉल को म्यूट करना है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन को फ्लिप करके या फिर उल्टा करके रख देना है तो फ्रेंड्स आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी, अगर आप इस सेटिंग को एनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को एनेबल करने के बाद आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी और अगर आपको उस कॉल को म्यूट करना है तो फ्रेंड्स आपको अपने फोन को फ्लिप करके या फिर उल्टा करके रख देना है तो फ्रेंड्स आपकी वो कॉल म्यूट हो जाएगी। सो गाइज, इस तरीके से आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।